वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट पाठशाला। आई होप यू आर डूइंग गुड और हेल्थी। माय नेम इज फिरोजपी, यूपीपीएससी नर्सिंग ऑफिसर। नाउ आई एम वर्किंग इन एनएम ट्रेनिंग सेंटर मुरादाबाद। की वीडियो हमारी होने वाली है जो 22 तारीख को मेरिट लिस्ट आई है यूपी में गवर्नमेंट एएनएम और जीएनएम कोर्स में एडमिशन के लिए, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। बेसिकली हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जो ये मेरिट लिस्ट आई है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, शो कर दूंगी मैं स्क्रीनशॉट, जो मेरिट लिस्ट आई है तो ये क्या फाइनल मेरिट लिस्ट है, इसके बाद और मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, या इस मेरिट लिस्ट में जिस जिसका भी नाम है सबको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बाद कोई और सी लिस्ट आनी है, क्या आनी है, कौन सी आएगी, उसके बाद क्या होगा, क्या प्रोसेस करना है। और हमें इस लिस्ट में बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, सब लोग पूछ रहे हैं हमें सेंटर तो पता ही लगा ही नहीं कि हमें कौन से सेंटर में एडमिशन मिला है। तो आज की इस वीडियो में हम ये सब आपसे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली सारी अपडेट आप सभी तक पहुँच सके। सबसे पहले हम बात करते हैं एएनएम और जीएनएम की जो मेरिट लिस्ट आई है वो कहाँ से जाके चेक करें। तो इसके लिए आपको www.dgmhup.gov.in पर जाकर आपको क्लिक करना होगा। वहाँ पर जाकर मेरिट लिस्ट आप देख सकते हैं। वहाँ पर जो शॉर्ट कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनकी पूरी मेरिट अवेलेबल है, आप जाके वहाँ से चेक कर लेते हैं। अब जिन लोगों का उनके अंदर नाम है तो वो सोच रहे हैं क्या उसके अंदर जिसका नाम है सभी को एडमिशन मिलेगा, उसमें तो इतने सारे नाम है उस मेरिट लिस्ट में और सीट है हमारे पास केवल इतनी कम, तो क्या सबको एडमिशन मिलेगा, किसे एडमिशन मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये जो लिस्ट आई है इस लिस्ट में बेसिकली इस लिस्ट में एक नंबरिंग दी गई है, उनको रैंक दी गई है उनकी मेरिट के अकॉर्डिंग। जिसकी मेरिट हाई है, ज़्यादा है, तो उनको फर्स्ट नंबर पे रखा है, उससे कम को सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, इसी तरह से पूरी मेरिट लिस्ट तैयार की गई है। अब इसके बाद क्या होगा, जब मतलब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमारी तो इतनी 84% है या इतनी परसेंटेज है, हमारा नाम क्यों नहीं आया, हमसे कम वालों का आ गया, तो वो लोग जाकर जो इसमें वेबसाइट दे रखी है, मैं यहाँ पर मैंशन कर दूँगी, ये जो वेबसाइट है इस पर जाकर आप मेल कर सकते हैं। आपको जो भी डाउट है आप इसको मेल कर दीजिए 27 तक, 27 अगस्त तक जाकर आप इस पर मेल कर सकते हैं, ठीक है, आपको जो भी डाउट है। उसके बाद 27 अगस्त के बाद लगभग 30 तारीख को मे बी मेरिट लिस्ट आएगी, जिसमें 2000 समथिंग कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। इसमें से जो हायर रैंक के कैंडिडेट होंगे उनको क्या होगा, दूसरी लिस्ट आएगी, जिस लिस्ट में उनको सेंटर दे रखे होंगे, उनको डिस्ट्रिक्ट दे रखा होगा कि आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाके एडमिशन लेना है। उसके बाद 30 तारीख को जो लिस्ट आएगी उस लिस्ट के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा उस सेंटर में जाकर जहां पर जो सेंटर आपको अलॉट हुआ है। तो वहाँ के लिए आपको अपने जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो सब चेक कराने होंगे, जो भी आपने फॉर्म फिल करते समय अपलोड किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल लेके जाने होंगे। साथ ही आपको फिटनेस मेडिकल सर्टिफिकेट सीएमओ द्वारा बना हुआ होना चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, वो आप लेके जाएंगे, करेक्टर सर्टिफिकेट और जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे फॉर्म अप्लाई करते समय वो सब डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने होंगे ओरिजिनल, वहीं से आपको डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के बाद आपकी को कॉलेज वाले बता देंगे कि आपको कब से कॉलेज आना है, कब से क्लासेस स्टार्ट होंगे। मे बी 1 अक्टूबर से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। तो ऑल द बेस्ट जिनका भी सिलेक्शन हुआ है और जिनका, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन होगी या कोई और वीडियो होगी, जो भी अपडेट आएगी, वो जो भी अपडेट होगी वो आप लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी जहाँ तक मुझसे पॉसिबल होगा मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चंस के।